जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, हम लोग आज आपका पीछे कुछ ये दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है स्क्रीन में, PYQ लाइफ प्रोसेसेस CQ। ये एक्चुअली आपके जो एग्जाम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है ना, तो उसमें आपके कुछ MCQ जो चैप्टर से आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो हम लोग उस पर आज कुछ चर्चा करेंगे। ये किस क्लास का है? ये क्लास 10 के जो ये बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं, CBSE बोर्ड, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का भी सीरीज है, चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। इसके बाद फिर से हम लोग इसके बाद साइंस के दूसरे चैप्टर, फिर मैथ के सब सारे हम लोग MCQ समझेंगे। क्योंकि MCQ जो होते हैं ना, ये आपके एग्जाम में जो पिछले साल आए हुए हैं उससे काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए हम लोग को इसको करना ज़रूरी है। तो हम लोग पिछले साल आए हुए MCQ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और आप लोग इसको देखिएगा पक्का, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और एक बात और बताएं कि ये केवल और केवल ये आपके बोर्ड वाले एग्जाम के लिए नहीं, हो सकता है मतलब कह लीजिए कि आपका जितने जो भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि NCERT सब लोग ढूंढते रहते हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें NCERT के पीछे का क्वेश्चन करना है, तो ये सारा कुछ NCERT पे निर्धारित है, मतलब डिपेंड है उसी से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दाल गल सकती है हलाल सकती है, वो देख के मतलब पीछे आए हुए MCQ बोर्ड के क्वेश्चन। और क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है, बायोलॉजी बायोलॉजी होता है, तो आप देखिएगा। तो हम लोग चलिए, अब समय बर्बाद ना करते हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं पहला। तो चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम, मतलब देखिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। और उसमें क्या है, एक रिएक्शन होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई खूबसूरत सी रिएक्शन, इसको आप लोग भली भांत जानते होंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और वाटर का, और ये फाइनली यहाँ पे इधर से आती है ये सनलाइट, और यहाँ पे होता है क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति में ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये बनता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इन फोटोसिंथेसिस में कि जो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है वो कहाँ से आती है ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो कहाँ से आती है? तो देखिए, ये ऑक्सीजन जो आती है ना, इस वाटर से जाती है, जो वाटर है इसी से ऑक्सीजन बनती है। तो पूछ रहा है कहाँ से आती है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वाटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, वाटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी टीचिंग एग्जाम है, तो ये अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, आ गई है, आने वाली नहीं आ गई है, तो उसमें भी जो बायोलॉजी के, क्योंकि बेसिक चीज आएगा तो यहीं से उठाएगा, क्योंकि वो आपका लेवल भी वो 10th लेवल का है, तो यहाँ से भी आपके भी काम आ सकता है ये MCQ क्वेश्चन। तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चन करेंगे आज इसके, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, है ना, ये पूछे इसमें क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ये कहाँ पे, ये बोला है कि एब्जॉर्ब होता है, ये क्वेश्चन ये है। अब देखिए क्लोरोफिल जो होता है ये क्या एब्जॉर्ब करता है, कहने मतलब ये है, तो ये जो लीफ होती है ना, लीफ रेड नहीं होती, ग्रीन होती है, इसमें दिखेगा, चलिए दिख रहा है, ये लीफ है, इसी लीफ में ऐसे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो इनका काम देखिए, इनका काम होता है ना, ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इनका काम होता है, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं ये ग्रीन क्लोरोफिल, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किसको एब्जॉर्ब करती हैं? तो लाइट को, तो ये जो सनलाइट है ये प्रकाश एनर्जी है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे,
ये वाटर नहीं होगा, मीन न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा, वाट लाइट एनर्जी, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन होगा, इसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन कह रहा है द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, ये ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है लाइट रिएक्शन इन में से कहाँ पे होती हैं। लाइट रिएक्शन ऐसा नहीं है लाइट जला के रिएक्शन करो लाइट रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी रिएक्शन नहीं। देखिए फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें दो रिएक्शन होती हैं। अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस में ना दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये मत समझे कि ये अंधेरे में होती है, मतलब डिटेल वीडियो में पढ़े हैं इसको, ये अंधेरे में नहीं होती, डिटेल क्लास में है, यहाँ पे लिंक डलवा देंगे आप देख सकते हैं, कि वहाँ पर हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं, इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये पूछ रहा है कि ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो देखिए लाइट रिएक्शन जो होती है वो होती है ग्रेना में, जो लाइट रिएक्शन होता है, ये पूछा क्या इसमें लाइट, हाँ लाइट रिएक्शन पूछा है, तो ये होती है ग्रेना में, और जो ये डार्क रिएक्शन है ये होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेना कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो राइट आंसर ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल पूछ रहा है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, अब हमने बताया था लाइट रिएक्शन, अगर भूल जाता हो सके डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा डी एस और लाइट रिएक्शन ग्रेनम। तो देखिए लाइट रिएक्शन जब होता है ना, एक्चुअली लाइट रिएक्शन क्या करता है, जो ये इधर से सनलाइट आती है तो जब ये नीचे पड़ती है तो जो रूट से नीचे से ये प्लांट में वाटर आता है तो इनको पहले आती है तोड़ती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और इनके बाद तोड़ के फिर कुछ बनाती हैं। तो वही पूछ रहा है किसका प्रोड्यूस करती हैं ये लाइट रिएक्शन में। ठीक है, तो देखिए लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडी टू नहीं, यहाँ पे प्रोड्यूस करती है एटीपी, एटीपी एंड एनएडीपी और 2H, एनएडीपी 2H ये प्रोड्यूस करती हैं लाइट रिएक्शन में। तो इसका मतलब क्या होगा, सर राइट होगा सी नंबर होगा। दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर है। ये कह रहा है विच रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। देखिए बात आ गया ना, मतलब कहने का मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस इस लाइफ प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये बोल रहा है कि ये स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, बस सिंपल से देखिए ये क्या है, डार्क रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ये वाला कहाँ होता है, ये होता है ग्रेनम में, तो ये कहाँ होगा डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए, इन प्लांट द प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब ये प्रदूषण जो होता है प्लांट में, प्लांट पॉल्यूशन को कम करता है, मतलब प्रदूषण को कम करता है, कैसे, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट से और बाहर से जो इन्वायरमेंट से CO2 ले आता है और उसको चेंज कर देता है ऑक्सीजन में, सबको पता है। तो इसका मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो कहने का मतलब ये कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या करेगा, पॉल्यूशन को कम करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, है ना, फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सी प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखिए ये क्वेश्चन है, ये है रिस्पायरेशन का, कह रहा है कि ये ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट का और गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ये सब निकलते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस में
फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना था, क्योंकि तो उसमें ग्लूकोज बनता है ना, तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना था उस ग्लूकोज को जब तोड़ा जाएगा तो क्या एनर्जी मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, मतलब उसको तोड़ना चाहिए तभी एनर्जी मिलेगी। बिना ग्लूकोज को तोड़े हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, और वो तोड़ने काम कौन करता है, हेल्प कौन करता है तोड़ने में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए तोड़ने में, तो इसमें ऑक्सीजन लगा। अब ये क्या प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस हो गया रिस्पायरेशन। क्या हो गया, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, ये जो तोड़ने वाला काम, ये माइटोकांड्रिया में बोल रहा है कि ये पायरुवेट को तोड़ता है, तो जब ग्लूकोज टूटता है तो पहले पायरुवेट में बनता है, क्या किसमें बनता है, पहले पायरुवेट बनता है, फिर उसके बाद ये क्रैब साइकिल में जाता है, फिर और टूटता है। तो पूछता है उसको तोड़ता है तो वो कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, तो कहाँ पे होता है ये सारी चीजें, क्या होता है, जब ये पायरुवेट टूटता है, ये मतलब ये एक ग्लूकोज से टूटा पायरुवेट में, तो इसको बोला गया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और जब ये पायरुवेट टूटा तब और एनर्जी मिला, तो उसको वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ माइटोकांड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आइए। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किसकी जरूरत पड़ती है, या तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आया है, व्हाट इज द नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, इसमें किसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं, अरे जो अपना भोजन खुद बना ले ना, वही तो ऑटोट्रॉफिक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि जो लोग अपना भोजन, मतलब जैसे कह लो ना कि बच्चे से पूछो कि मम्मी क्या है, मम्मी मेरी बनाती है तो मम्मी मेरी ऑटोट्रॉफिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मम्मी बनाती नहीं, मम्मी पकाती है। बात समझ आई, तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ये प्लांट अपने लीफ में, जैसे ये प्लांट की लीफ है, अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये अपना भोजन बनाते हैं तो इसको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो नहीं बनेगा, है ना, सनलाइट ये भी चाहिए, इसका मतलब ये तीनों चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन, हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, क्योंकि तो ये डी नंबर, क्योंकि तो इसको सब चाहिए, तो ऑल ऑफ दी आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटरोट्रॉफ, इसमें से कौन हेटरोट्रॉफ नहीं है, अर्थात ये सीधा सीधा पूछ रहा है कौन ऑटोट्रॉफ है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए, अगर कहीं नाट वाट लिख के आ गया तो कंफ्यूज हो जाइए आप, तो नाट वाला क्वेश्चन नहीं, इसके एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन, इस पर ध्यान दिया करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो इसमें कौन हेटरोट्रॉफ नहीं है अर्थात ऑटोट्रॉफ है। अब देखिए ये जो फंजाई है ये भी हेटरोट्रॉफ होता है, टेप वर्म ये तो एनिमल, मतलब एनिमल में आता है, ये भी हेटरोट्रॉफ होता है, ईस्ट ये भी हेटरोट्रॉफ होते हैं, है ना, सेप्रोफिटिक होते हैं, ये दोनों दूसरे पर डिपेंड है, और ये तो पूरा तरह से डिपेंड होता है बहुत अच्छी तरह से। अब ये मनी प्लांट, ये प्लांट है, प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, इसलिए यही हेटरोट्रॉफ नहीं है, इसलिए आंसर ये क्या है, डी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये देखिए ये आ गया है क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्योंकि तो लाइफ प्रोसेस में आपके जैव प्रक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस में आपका डाइजेशन मतलब जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांस और ट्रांसपार मतलब ट्रांसलोकेशन, मतलब जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, ये सारे उसी में आते हैं। तो ये डाइजेस्टिव क्वेश्चन से आया है, डाइजेस्टिव पार्ट से क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहा है सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल इज, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारे हैं, तो हम बहुत प्यार से बोलते हैं मदन लाल, ये मदन लाल है और ये उनकी इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल। तो पूछा था कि इस एलिमेंट्री कैनाल में सी शेप स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए पहले देखिए ये ऐसे इंटेस्टाइन दिख रही है, ऐसे आई है, और यहाँ देखिए ये सी शेप है, अब इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये देखिए ये सी शेप का दिख रहा है ना, इसे
अब इस वाले पार्ट को बोलते क्या है, ये वाला पार्ट एक्चुअली ये कहलाता है, इसको बोलते हैं डिवोडेनम। तो कहाँ है ड्यूडेनम? ये है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वो सी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, द लेंथ ऑफ ऑइसोफेगस इन ह्यूमन इज, 2018 में आया हुआ। अब ये भी डाइजेस्टिव पार्ट का क्वेश्चन है, इसका लेंथ पूछ रहा है। ये देखिए यही वाला पार्ट ऑइसोफेगस है, तो इसकी लेंथ कितनी होती है ह्यूमन में? बस सिंपल सा है, इसकी लेंथ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ये वाला नंबर, 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज। अब देखिए ये सब डाइजेस्टिव क्वेश्चन के सवाल है, डाइजेस्टिव पार्ट के। अब सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो हमारा हमारा सलाइवा मतलब लार का सिक्रेशन होता है, उसमें वो कितनी ग्लैंड होती हैं वो पूछा गया है। तो देखिए ये एक्चुअली कितना होता है, बोलता है 2 पेयर की 3 पेयर की 4 पेयर की 5 पेयर। एक्चुअली ये होते हैं 3 पेयर यानी 6। इसका राइट आंसर तो बी नंबर होगा। आप देखिए कहाँ होती हैं, देखिए ये एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखिए लोकेशन दिख रहा है मदन लाल के, इसमें इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। एक अब एक इधर और एक वही दूसरा इसके उस तरफ, 2 पेयर हो गया। और ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक ये है ये वाली, और इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। एक इधर अब एक उधर, इस तरह एक ये वाली, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6। कितना पेयर, 3 पेयर है ना, तो 3 पेयर ये होगी। अगला क्वेश्चन पे आइए, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ। बहुत पुराना क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, आता ही रहता है और आएगा भी, कोई बोर्ड में ही नहीं बहुत सारे एग्जाम मुझे देखने को मिलता है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये पूछ रहा है, ये पार्ट है, किसका पार्ट है? अब देखिए ये डाइजेस्टिव पार्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब एलिमेंट्री कैनाल में ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। अब देखिए ये एक लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये इंटेस्टाइन जो पेट की निकाल के बड़ी वाली इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पे दिखाया गया, तो थोड़ी इसी में पाया जाता है ये। तो इसका जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यही है। अब इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस लार्ज इंटेस्टाइन को बोल, लार्ज इंटेस्टाइन कहिए या कोलन कहिए, या कहिए कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। कहाँ पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी, फिर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये सेलुलोज का पाचन करने के लिए पहले हुआ करती थी, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, तब इतना लंबा मतलब इतना पास वाले पूर्वज नहीं, लोग यहाँ से आए हैं, पहले घास फूस लोग खाते थे। तो ये सेलुलोज क्योंकि प्लांट में पाया था, तो उसको पाचन के लिए पहले एक्टिव हुआ करती थी। कि आप लोगों में ये क्या हो गई है, इनएक्टिव फॉर्म, इसको लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, ये हमारे में होती है लेकिन नहीं, बहुत वेस्टिजियल होती है, इनएक्टिव कह सकते हैं हम। अब किसी किसी में कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसको ऑपरेट करके निकलवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ। ठीक है, तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है सी नंबर, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन आइए, द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन बॉडी आर। अब देखिए मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत नहीं होते हैं, बस समझे दूध के बने होते दांत, मिल्क टीथ ये मतलब जिसे मिल क्या है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। और एक्चुअली ये बच्चों में पहले जब बड़ा होता है तो पहले बार दांत उसके निकलते हैं, पहले मिल्क टीथ ही निकलते हैं, दूध मतलब उसे बोलते हैं दूध के दांत, मतलब कुल मिलाकर ये टेम्परेरी टीथ। तो जो पहले निकलते हैं वो कम रहते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। अब ये जो होते हैं ये टेम्पररी टीथ 20 टोटल होते हैं, है ना। तो ये बच्चों में क्यों क्या होते हैं, ये 20 होते हैं। एक्चुअली इसका एक फार्मूला होता है, अगर देखिए तो इसका राइट आंसर पहले तो ये होगा ए नंबर, है ना 20। अब देखिए 20 मतलब क्या, हाँ नंबर ऑफ मिल्क, हाँ 20। अब ये 10 नीचे 10 ऊपर, जानते हैं इसका फार्मूला होता है, अगर एडल्ट है ना, एडल्ट का फार्मूला होता है 21/23। अब ये जो है ये पेयर में है, अब ये पेयर मतलब दांत मतलब ये वाला पेयर है, पेयर ये कैनाइन, ये वाला प्री मोलर और ये वाला मोलर, मतलब
पेयर, दो पेयर, वन पेयर, टू पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर। तो टू पेयर यानी चार, दो पेयर यानी इंसीजर, मतलब कह सकते हैं हम लोग चार नीचे चार ऊपर वाले जबड़े में, यहाँ पे देखिए ये जो सामने दिखते हैं ये वाले, ये चार ऊपर चार नीचे, इसको इंसीजर बोलते हैं। इसी प्रकार से ये है कैनाइन, ये है कैनाइन। अब कैनाइन में एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, तो एक पेयर इधर, एक दो इधर, इधर और इधर इधर, ये क्या है कैनाइन। फिर इधर प्रीमोलर, ये प्रीमोलर इधर के, फिर लास्ट वाले क्या है मोलर। ये फार्मूला एडल्ट का होता है। अब उसका जो फार्मूला जो बेबी का होता है, जो मतलब मिल्क, ये चाहे उसको बोलिए एडल्ट का दांत है या इसको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं, जो कि 32 होते हैं टोटल, है ना। और अगर बोलेंगे हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेबी का, तो उसका फार्मूला होता है 21 02 अपान 21 02, ये होता है बेबी, है ना। अब इसी को तो बोलते हैं, यही तो है कि क्या बोलते हैं मिल्क टीथ। तो ये वाला फार्मूला है, यही है मिल्क टीथ। अब इसमें देखिए ये जो ये है प्री मोलर नहीं पाया जाता, और बाकी ये टू पेयर ऊपर टू पेयर नीचे, वन पेयर वन पेयर, और ये टू पेयर यहाँ पे, ये थ्री थ्री थे। तो ये टोटल इसको आप काउंट करेंगे टोटल 20 आएगा। तो इसमें कितना पूछ रहा है 20, तो राइट आंसर क्या होगा 20। एडल्ट में कभी पूछ लेगा तो 32, ये इसका फार्मूला है, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। कभी मान लिया इसका पूछ लिया, इसका पूछ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ, ये देखिए मोलर टीथ इन ईच जा ऑफ ह्यूमन, एक जा में मोलर टीथ कितने होते हैं। तो अब देखिए ये एडल्ट की बात कर रहा है। अब देखिए 21 23 अपान 21 23, तो ये वाला आई है मतलब इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्री मोलर, और ये है मोलर। तो मोलर मतलब एक जगह पे, एक जबड़े में, या तो ऊपर या तो नीचे। इस जबड़े में कितने होते हैं, तो थ्री पेयर। अब थ्री पेयर यानी सिक्स, है ना, ये थ्री पेयर यानी सिक्स, मतलब छः ऊपर छः नीचे, कौन मोलर, है ना। तो मोलर ये कहाँ होगा, इधर वाले। ये कितना आंसर होगा इसका, आंसर छः, है ना। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, आ गया मोलर मोलर मोलर। हाँ ये एक फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, और ये थर्ड मोलर, तीन इधर और तीन इधर, एक दो तीन अपर में, तो तीन तीन छः, छः ऊपर छः नीचे, है ना। तो कितना हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कठिन की बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग एट द अपर्चर ऑफ ग्लॉटिस इज कॉल्ड, ये जो ग्लॉटिस है मतलब ये दिख रहा है, देखिए एक मदन लाल का ऐसे पीछे से काट दिया गया वाले पार्ट को, तो ये कुछ ऐसा ईपी ग्लॉटिस पूछ रहा है, ये जो ईपी सॉरी पूछ रहा है हैंगिंग ग्लॉटिस, ग्लॉटिस ये क्या होता है एक्चुअली। ये जो होता है ना, देखिए यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, ये यही वाला पूछ रहा है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं ईपी ग्लॉटिस। तो इसका राइट आंसर होगा ईपी ग्लॉटिस। अब थोड़ा सा हम बता दें इसका काम क्या होता है। देखिए ईपी ग्लॉटिस काम ये होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये माउथ वाला पार्ट है एक, और एक नाक वाला पार्ट है, ये दोनों आके यहाँ पे मिल जा रहे हैं, मतलब ये दोनों का यहाँ तक कॉमन पाथवे है, मतलब इसी रास्ते से फूड भी जाएगा और इसी रास्ते से हवा भी एयर भी जाएगा। तो क्या करता है फिर, इधर से विंड पाइप में ये अपना अलग चला जाता है, और ये इधर फूड वाला इधर चला जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर हम बनाए, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए इधर नाक वाला आया और इधर से माउथ वाला आया, और ये दोनों कुछ दूर तक पहले ऐसे मिल के चलेंगे, है ये देखिए ऐसे मिल जाएगा कुछ दूर तक। फिर इसके बाद से अब एक इधर मान लीजिए एयर वाला इधर चला गया और फूड वाला इधर चला गया ऐसे। अब देखिए यहां से मान लीजिए इधर से हवा आया, यहां तक तो कॉमन था, और इधर से मान लीजिए फूड आया और एयर आया, ये वाला पास तो कॉमन है, फिर यहाँ पे चेंज होता है, तो यहीं पे एक्चुअली ये लगा होता है इपिग्लॉटिस। इसको कलर चेंज बनना है कि यहीं पे इपिग्लॉटिस ऐसा लगा होता है। अगर मान लीजिए फूड आया
अगर ये वाली पाइप फूट गया तो ये इसको ऐसे बंद कर देगी, तो इधर फूट चला जाएगा, और जब ये एयर आएगा तो एयर इधर से आया तो ये इधर चला जाएगा और इधर इधर हट जाएगा। तो अगर एयर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, सॉरी इधर चला जाएगा, एयर इधर जाएगा और फूट आएगा तो कुल लोग इसको बंद करेगा ऐसे ऐसे करके, आप सही समझ गए होंगे। तो ये इपिग्लॉटिस होता है, इसको इपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये लीवर सिक्रीट, देखिए लीवर जो होता है ये प्रकार की ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड भी होती है लीवर, कैसे भी पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होता है, और उसे क्या सिक्रीट होता है। तो देखिए उससे सिक्रीट होता है बाइल जूस, और जो लीवर होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये लीवर है तो लीवर से ये बाइल जूस सिक्रीट होता है, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर होती है, यहाँ पे स्टोर रहता है बाइल जूस, और ये जानते हैं कि फैट का पाचन करता है, फैट का, ये फैट का पाचन, जो डाइजेशन, जो हम लोग तेल मसाला ये सब खाते हैं तो उसका डाइजेशन यही लीवर के सिक्रीट होता है, जो बाइल जूस, तो पित्त बोलते हैं कभी कभी, है ना, कभी ऊपर आता है बहुत सारा जलन जैसा होता है, तो ये सिक्रीट क्या करता है लीवर, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लडर में स्टोर रहता है, और जरूरत पड़ने पर हमारे इंटेस्टाइन में मिल जाता है और फैट का पाचन करता है। बात समझ आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में द मैस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज, वाह बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखिए ये मेरा हाथ है, मेरा मन कहा ऐसे मसल मेरी कंट्रैक्ट कर रही है, मैं ऐसे कर घूम गया, मतलब ये क्या मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तभी हो रहा है। तो पूछ रहा है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कैसे मसल कंट्रैक्शन जो होता है वो किस ढंग से होता है। अगर देखें तो एलिमेंट्री कैनाल कुछ मान लीजिए ये कैनाल है ऐसे बनी होती है, यहाँ पे कुछ होता है ये जाके ऐसे जाती है, ये कुछ ऐसी होती है एक्चुअली, इसमें जब ऐसे फूट जाता है, इसमें ऐसे हमारा फूड ये चला गया है ना, ये फूट जा रहा है, ये धीरे धीरे क्या होती है ना, ये कैसे कंट्रैक्ट करते हैं कि ऐसे करते हैं, एक बार ये पिचक जाएगी फिर इधर आ जाएगी, कुल मिला के इस ऐसे करती हैं ये, क्योंकि इसको हमको फूड को आगे बढ़ाना है तो कैसे करेगी ऐसे। मतलब ऐसे एक बार यहाँ फूल जाएगी फिर पिचक जाएगी फिर फूलेगी फिर पिचकेगी फिर पिचकेगी, तो इस तरह से जिससे कि फूड यहाँ से ये आगे यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाए, तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के कंट्रैक्शन को बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टलाइसिस। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाई, अभी हम लोग उससे पहले बाइल जूस पढ़े थे, अब बाइल जूस कहाँ सिक्रेट होता था, लीवर से बाइल जूस सिक्रेट हो रहा था, और ये पूछ रहा है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, मतलब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कहाँ से होता है। तो देखिए ये एक्चुअली ये आपका स्टमक है, ये देखिए मदन लाल का ये पूरा इंटेस्टाइनल दिख रहा होगा, ये पूरी उसकी इंटेस्टाइन है, और इसी में ये यहाँ पे क्या है, ये अगर इसको बड़ा करके देखें तो ये है, ये वाला जो पार्ट है ये है स्टमक कहलाता है, ये बड़ा वाला पार्ट एक्चुअली, जो ये गैस्ट्रिक जूस है ये इसी के ऐसे दीवार से सिक्रीट होते हैं, वाल से, और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका स्टमक। ठीक चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट्स ऑन, देखिए हमने पढ़ाया है बताया भी है, जो एंजाइम होते हैं किसी भी चीज को स्टिमुलेट करते हैं, एंजाइम हार्मोन्स हो गया, तो ये एक्चुअली एंजाइम मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम में वो करते हैं, मतलब पाचन में हेल्प करते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग ग्लूकोज खाए उसको तोड़ के कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोटीन खाए उसको तोड़ के कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, हमको एनर्जी मिलेगी, फैट खाए उसको तोड़ कुछ एनर्जी मिलेगा, तो हर हर मटेरियल को तोड़ने का अपना हर अलग अलग एंजाइम यूज होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो किसको तोड़ता है ना, तो
किसको तोड़ के हमको प्रोटीन एंजाइम जो बनाता है, एक्चुअली जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है, मतलब अगर कोई जब आप प्रोटीन खाएंगे तो उसको तोड़ के हमें एनर्जी देगा, और प्रोटीन में देखा जाए तो ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये तोड़ देगा सीधा सीधा, ये कुल मिला यूरिक एसिड बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एक कुल मिला कि ये पहले NH3 बनेगा फिर यहीं से ये यूरिया बन जाएगा और इसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो जैसे फैट को भी तोड़ने का अलग एंजाइम, इसको तोड़ने का अलग एंजाइम, तो ये किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो चलिए ये कुछ 20 क्वेश्चन हम लोग किए आज, लगभग 20 क्वेश्चन है, अब हम लोग इसके बाद कंटिन्यू कुछ और एक आध इसमें अभी लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर चल रहा था इसमें अभी और हम लोग और क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बाद, अभी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम लोग अगले क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन इसी टॉपिक से करेंगे, अभी इसमें और क्वेश्चन है लगभग 50 क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन हुआ यहीं से आ जाएगा, अब देखिए कुछ ना कुछ हम ऐसे आपको ताली पाप देना मेरी आदत नहीं, मैं जो पढ़ाऊंगा यहीं से आएगा इसके सिवा कुछ नहीं आएगा ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य में देखिए यही था कि पिछले साल जो आए हुए क्वेश्चन है उसको करवाना, तो हम लोग उसी को कर रहे हैं। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो हम तो कहते हैं आप इसको देखिए, और केवल बोर्ड वाले ही नहीं फिर से बता दे रहे हैं और भी जो सारे एग्जाम हैं उनके दे सकते जो आप दे रहे हैं उनके लिए भी जरूर हो सकती है, जो लोग आप NCERT से समझते हैं कि वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर अब इस नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे और इसका डिटेल वीडियो इनके लेक्चर जो होते हैं उसमें कुछ अपलोड है उसके नीचे लिंक डाल देंगे और जो बचा हुआ उसको भी डाल देंगे अपलोड रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।